जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज SDM महेंद्र जहांगीर अहमद खान साहब ने है जो मुख्तलिफ पंचायत का दौरा किया, खासकर पठाना तीर का दौरा किया, जहां पे हालिया बारिश में हुए नुकसान का जायज़ा लिया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों शदीद बारिश में है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, कई मकान है जो वो बर्बाद हो गए थे लैंडस्लाइड की वजह से, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो SDM मेंडर जहांगीर खान अपनी टीम के हमरा है जो पठाना तीर में पहुंचे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है जो मकान इस शदीद बारिश की लपेट में आकर जो है वो टूट चुके थे। और इस दौरान उन्होंने ये यकीन दिलाया कि तमाम जो भी है नुकसान हुआ है इसकी पूरी तरीके से है जो फाइल तैयार की जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, उस फाइल को हम फॉरवर्ड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द है जो लोगों को इमदाद फराहम की जाए। आइए देखते हैं कि SDM महेंद्र जहांगीर खान साहब क्या कहते हैं। पठानतीर खासकर सरपंच साहब ने जो है पिछले काफ़ी दिनों से इन्होंने पुरइसरार तरीके से हमें कहा कि हमारे इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ है, कच्चे मकान लोगों के गिरे हैं, हमारी रोड जो हैं वो ब्लॉक हुई हैं, कहीं कहीं जगह से रोड भी जो है बह गई है, वाश्ड अवे हुई है बारिशों का, हालिया बारिशों की वजह से। तो वाकईतन जब हमने दौरा किया इस इलाके का तो ये हमने पाया कि काफ़ी लोगों के जो है कच्चे मकान थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और कुछ रोड्स जो हैं वो भी काफ़ी जगह से ब्लॉक हैं, उनके ब्लॉक जो है खुलवाने के लिए हम डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है, और कुछ मैक्सिमम रोड जो हैं वो ब्लॉक उनके क्लियर कर दिए हैं। अब जो मकान का है वो हम मकानों का है, कच्चे मकान जो गिरे हैं हमने देख लिए हैं, उसका असेस करेंगे, उनकी फाइल जो है बना के तुरंत जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को सौंप दी जाएंगी। कुछ लोग जो हैं जिनके घर गिर गए हैं तो उनको इमीडिएट ज़रूरत है कुछ टेंट्स वगैरह की देने की, जिसके लिए हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि इमीडिएटली इनको थोड़े से टेंट भी दिए जाएं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे ही लोग हैं। बाकी जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है मेंडर में, बाकी दूसरे इलाकों में भी हमारी रेवेन्यू टीम्स जो हैं वो जा रही हैं ताकि हम एक्चुअल लॉस का असेसमेंट कर सकें और फाइल टाइमली प्रिपेयर करके और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को सौंप दी जाए। सबसे पहले तो हम SDM साहब महेंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी पंचायत पठाना तीर का दौरा किया और जो भी हालिया बारिशों की वजह से जो भी नुकसानात हुए थे और जिनके मकानात डैमेज हो गए थे लैंड स्लाइडिंग की वजह से, उनका मौका हमने दिखाया है और उनकी फाइलों का प्रोसेस का SDM साहब ने बोला कि 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें दी जाए, हम इनके लिए मुआवजे के लिए फाइलें पूंछ DM साहब को भेजेंगे तो कुछ ना कुछ इनको मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा, और जिनके मकान बिल्कुल डैमेज हो गए हैं उनके लिए मैंने बोला है कि हमें 1-2-4 टेंट दिए जाएँ, जो बंदे जो आदमी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनको टेंट दिया जाए। और मैं सरपंच पंचायत पठाना तीर के तमाम लोगों की तरफ से अपने SDM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने इनको 1-2 दिन पहले भी कॉल की थी कि आप पंचायत हमारी में आओ और हमारी पंचायत का दौरा कीजिए, जिन जिन लोगों का नुकसानात हुआ है बहुत गरीब हैं, गरीब खानदान से तल्लक रखते हैं, इनके पास कोई सरमाया नहीं है, तो इन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि जो भी ये लोगों के नुकसानात हुए हैं उनका मुआवजा दिलाया जाएगा, आप इनकी फाइलें पुट ऑफ करो। तो मैं एक बार फिर इन पूरी पंचायत की आवाम की तरफ से SDM साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम्स के बाद पहली बार ये हमारी पंचायत में एक SDM साहब आए हैं, काफ़ी सालों के बाद आए हैं, तो मैं इनका फिर से पूरी आवाम की तरफ से वेलकम करता हूं, शुक्रिया खुदा।